जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड के एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद कल्याणी साहब के साथ, और हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आकिब तनवीर साहब ने। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बल्कि आकिब भी हमारे साथ अभी मौजूद थे बाहर। शाहिद साहब, जो चीज़ें हम देखते हैं वैसी हम छोड़ के जाते हैं, अगली ईद पर जब वापस आते हैं तो वही चीज़ें हमें रिपोर्ट करना पड़ती हैं, तो हम भी एक लूप में लग गए हैं, और लाहौरी है और हमारे माशरे के लोग भी एक लूप में लग गए हैं, और उनको आदत हो गई है, अब ये चीज़ उनके अंदर रच बस गई है कि अगर हम बस स्टैंड पर जाएंगे, हमने ईद के लिए अपने घर पर जाना है, तो हम 850 की बजाय भाई आराम से 1300 अपनी जेब में रख लें, क्योंकि वहाँ ओवर चार्जिंग हो रही होगी। इकदाम ऐसे क्यों नहीं होते? ओवर चार्जिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट इकदाम हो रहे हैं, हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, कंप्लेंट सेल्स लगे हुए हैं, हमारे बंदे हैं, हमारे स्क्वाड बने हुए हैं। ओवर चार्जिंग मैं जब से बैठा हूँ, मुझे सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आई हैं और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, और उन गाड़ियों को हमने फाइन किया है, और ये बंद इसलिए नहीं किया कि कहीं मुसाफिर घर जाने से रह ना जाए। तो सर, जो मुसाफिर मासूम हैं या उनको मालूम नहीं है, या हम ये कह सकते हैं इतनी तालीम नहीं है उनके पास कि उनको मालूम हो कि ये मेरा हक है और मैंने जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है, क्योंकि अभी आपने कहा सिर्फ आपके पास 2 शिकायत आई हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों को ओवरचार्जिंग हुई है, बाकी लोग जो ओवरचार्जिंग के फेज से गुजर रहे हैं और उनके पास ये मालूम नहीं है कि हमने करना क्या है, उनको कौन पूछेगा? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैक्सिम है, एक कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब अगर मैं कहीं जाऊँगा नहीं, बोलूँगा नहीं, किसी फोरम पे बात नहीं उठाऊँगा, तो किसी तरह कोई इल्हाम तो किसी को नहीं होना ना कि इनके मेरे साथ या किसी के साथ क्या बीती है। सरेआम कैंप्स लगे हुए हैं, सरेआम स्क्वाड्स फिर रहे हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, रेड लिस्ट लगी हुई है, उस पर उसके बावजूद भी मैं उस वक्त से ऑफिस में बैठा हूँ, अब टाइम नहीं है ऑफिस का, लेकिन उसके बावजूद मैं बैठा हूँ, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। चलिए आकिब साहब, आप शाहिद साहब की बात को सेकंड करेंगे या फिर आपके पास कोई है, कोई हल है इस चीज़? इनकी बात को बिल्कुल पहले तो सेकंड करूंगा, उसके बाद मेरा इनसे सवाल भी होगा। पहली बात तो इनकी खैर बहुत अच्छी है कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये एक्शन कैसे लेंगे। हमारे पास मीडिया वालों के पास तो लोग आ जाते हैं कि हमें 200 रुपया चार्ज किया जा रहा है या 400 किया जा रहा है, आपके वॉशरूम वाला 20 रुपये ले रहा है, लेकिन वो यहाँ पे आने से घबराते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसकी वजह ये है कि इनके नीचे जो अमला है उनके जो रवैये हैं वो ठीक नहीं है। बाकी शाहिद साहब से किसी ने मिलने आना है वो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इनके नीचे जो स्टाफ है वो नहीं मिलने देगा, तो अवाम बेचारी किस तरह इनके पास आ जाए कंप्लेन लेके। कंप्लेन के 3-4-5 जो मराहल होंगे उसको करते कराते तो फिर अवाम कहेंगे यार कि हमने घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ज़ाया करने, खैर है 100 रुपया दो और जान छुड़वाओ। तो दूसरा मेरा शाहिद साहब से ये सवाल है कि शाहिद साहब, ओवरलोडिंग भी साथ में है ओवर चार्जिंग के साथ साथ, और दूसरा आपने जब चार्ज संभाला था तो आपने कहा था कि सिक्योरिटी के इकदाम भी हम करेंगे, वॉशरूम्स को भी बेहतर करेंगे। मैंने ही आपसे एक दफ़ा ये आवाज़ उठाई थी कि जितना भी लारी अड्डा में आप घूम के देख लें, आप वहाँ पे रुमाल के बगैर या किसी भी किस्म का जो नाक डांपे बगैर आप गुजर नहीं सकते, पूरी लारी अड्डे में ये सूरत हाल है। तो ये इकदाम कब किए जाएंगे? एक तो ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो चार्जिंग है, ओवर चार्जिंग चीज़ों पर, खाने की चीज़ों के ऊपर भी चार्जिंग है, बेशक वो दूसरे इदारे भी हैं, लेकिन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा आपका भी फर्ज बनता है। 2-3 सवाल आकिब ने पूछे हैं, उनको आसान कर दूं। ओवरचार्जिंग है, ओवरलोडिंग है, सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। अच्छा, मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आऊंगा, पहले आऊंगा आपकी पहली बात पे, सफाई पे। जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, पूरे का पूरा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पूरी टीम डिप्लॉयड है, लेकिन सूरत हाल यह है कि इस वक्त 80,000 से लेके 1,20,000 तक पैसेंजर यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो उसमें उस तरह से वेस्ट जनरेशन भी है, लेकिन साथ के साथ वेस्ट जो है वो ठिकाने भी लगा रही है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी बात पे आप आ गए ओवर चार्जिंग पर, मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि ओवर चार्जिंग पर हमने उसके लिए कैंप्स लगाए हुए हैं और हमारे स्क्वाड भी फिर रहे हैं। ओवरलोडिंग का जो है उस पर एक्शन हम ले भी रहे हैं, लेकिन ओवरलोडिंग में इस तरह से है कि अगर मैं नहीं बैठना चाहता छत पे तो मुझे आप तो नहीं बिठा सकते, आप मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। अब जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जहाँ भी हमारी उसमें रीच में आ रहे हैं, हम उसके इनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, जो आएगा हमारी रीच में हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, जो मतलब एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, अगर कोई बच जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम पकड़ा जाएगा।
आगे सब इस बात से सकिन करेंगे कि हम क्योंकि गाड़ी तो बंद नहीं कर सकते, अगर गाड़ी एक जा रही है फैसलाबाद और फैसलाबाद जाने वाली फॉर एग्जांपल गाड़ियों की तादाद चार है, उन चारों को हम बंद कर देंगे तो फैसलाबाद जाने वाले मुसाफिर कहाँ जाएंगे, गाड़ी नहीं बंद कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ आती है, तो क्या फिर गैर कानूनी काम और छतों पर लोगों को बिठा कर मुसाफिरों को बिठा कर और जाने दें, ये कर दें? देखिए मेरी जो अपनी राय है इसमें एक सजेशन मैं इनको देना चाहूँगा, बाकी अमल करना ना करना इनकी अपनी मर्जी है। जो ओवरलोडिंग है छतों के ऊपर बैठ दिए, इन्होंने बिल्कुल अच्छा कहा कि एक मुसाफिर नहीं बैठना चाह रहा तो वो ना बैठे, लेकिन यहाँ पे कतकलामी की माफी चाहूँगा, उनको हमने फाइंस भी किए, ये नहीं कि दे हैव बीन गॉन अनकैच्ड, दे हैव नॉट गॉन अननोटिस्ड, एक्शन भी हमने लिए हैं और ले भी रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। क्योंकि ओवरलोडिंग की मैं सजेशन ये देना चाह रहा था कि एक अगर ये उनकी वर्कशॉप रख लें, ईद से पहले रख लें, क्योंकि ईद पे ज़्यादा रश आता है, तो गाड़ियों वाले खुद से चलें, ये तो फाइन भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब जो मुसाफिर है वो कहता है कि मैंने अगर एक घंटा लेट करना है या गाड़ी नहीं है तो मैं छत पे बैठ के चला जाता हूँ, वो तो परवाह नहीं करता, लेकिन जो इदारा है, जो जिम्मेदारान है, वो तो उसको ड्राइवर को, उस बस वाले को, उस अड्डा मैनेजर को तो कन्विंस कर सकते हैं वर्कशॉप के थ्रू, या उनको तालीम दी जा सकती है कि भाई आप इन लोगों को छतों पर बिल्कुल ही बिठाएंगे जब आपकी गाड़ी पूरी हो गई है, तो फिर ओवरलोडिंग किस चक्कर की? नाज़रीन मुहज़्ज़ब माशरों में इस तरह के मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई इकदाम किए जाते हैं। अब हम इस बात पे नहीं अड़े रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि मसाइल का अंबार है और हमारे पास वक्त की कमी है। शाहिद साहब, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं हैं कि खाने पीने की अशिया जो हैं वो एक ऐसे मजदूर को मैंने देखा है कि वो मुझे ज़ाहिरन बहुत ज़्यादा मेहनत कश लग रहा था, शायद वो बूट पॉलिश भी करता हो, ऐसे शख्स से आप 20 रुपए की पानी की बोतल को के लिए 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ, बहुत मुझे तकलीफ़ हुई, तो ये काम कौन करेगा? मैडम ये काम हम सब ने मिल के करने हैं, ये कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ होने हैं। अब अगर एक चीज़ 20 रुपए की है और वो 30 रुपए की मिल रही है तो उसमें मैं भी कसूरवार हूँ, मुझे भी एक्शन लेना है, आप भी, आपके नोटिस में आ गई, आपने मुझे बताना है, आपने दूसरे अरबाब इख्तियार को बताना है ताकि उनको भी पता चले, ठीक। आप उसको एक इशू बना के आप प्रोजेक्ट कर दिया, हो गया, लेकिन इस तरीके से आपका या मेरा फ़र्ज ख़त्म नहीं हो जाता। फिर क्या करें हम? एंड अनलेस आप प्रॉपर फोरम पे वो बात पहुंचाएं और प्रॉपर फोरम फिर प्रॉपर एक्शन लें। तो जो प्रॉपर फोरम है, क्योंकि हम तो अपना फर्ज अदा कर देंगे, वो अपना फर्ज कब अदा करेंगे आकिब साहब? उनको हम नहीं बेदार करना है हमेशा। ये मीडिया एक अच्छा फोरम है जिसकी आवाज़ तमाम इदारों में सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। अब रही बात ये ओवर चार्जिंग की, कर लें ओवर चार्जिंग के लिए प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहे हैं? बदामी बाग का अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, किधर है? बाकी उनको फिलहाल साइड पे करें, क्योंकि हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये ओवर चार्जिंग है और कौन जिम्मेदार है। लेकिन पहली बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा के अंदर ये प्रेमिसेज आती हैं जहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, तो क्या शाहिद साहब का हक नहीं बनता कि उनको चेक करें जाकर? बिल्कुल हक है, फ़र्ज है और ड्यूटी है, और इसको ड्यूटी समझ के हम कर रहे हैं, और अगर कोई अननोटिस्ड है तो वो भी आने वाले दिनों में पकड़े बगैर नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत पंजाब हुकूमत ही वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला हो चुके हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब थे, 10 सालों में लारी अड्डे की सूरत हाल उनके टेन्योर में हमने साफ होते हुए नहीं देखी। अगली आने वाली हुकूमत अब उससे आपको क्या तवक्कुआत हैं? सरदार उस्मान गुज़दार साहब बन गए हैं CM पंजाब और ज़िले हुकूमत से बल्दिया से कोई उम्मीद है कि बेहतरी और तब्दीली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं? इसमें बेहतरी भी आएगी, ग्रेजुअली आती भी रही है और आएगी भी सही। उसमें एक फैक्टर है ख़ास तौर पे जिसमें ये कंसेप्ट प्रिवेल कर रहा है अभी तक कि लारी अड्डा यहाँ से शिफ्ट होना है। इस शिफ्टिंग के इशू में बहुत सारे काम अभी इस वजह से पेंडिंग हो जाते हैं कि शिफ्ट होना है तो इस पर मज़ीद क्या इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब एक शऊर बेदार हो रहा है कि जब तक शिफ्ट नहीं होगा हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। अगर आप वहाँ से आए हैं लारी अड्डा से तो आपने लेफ्ट साइड पे एंटर होते ही आपने शेड्स लगे हुए देखे हैं जो इससे पहले कहीं भी नहीं थे, और वहाँ कीचड़ थी, गंदगी थी, मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अब आपकी टफ टाइल्स लगवा दी गई हैं और ऊपर शेड्स बनवा दिए गए हैं, मुसाफिरों को साया नसीब हो गया है, गाड़ी वालों को साया नसीब हो गया है,
और नीचे टफ टाइल्स लगी हैं जिसकी LWMC दिल्ली की बुनियाद पे सफाई कर रही है। आगिब साहब, ये अनसर्टेनिटी और ये हम गैर यकीनी सूरत हाल, इसको अगर हम कहें तो ठीक होगा, ये कब तक हम इस गैर यकीनी सूरत हाल में रहेंगे कि मंडी, सब्जी मंडी शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही, लारी अड्डा शिफ्ट हो रहा है, अगले साल हो रहा है या अगले महीने हो रहा है, ये गैर यकीनी सूरत हाल कब तक रहेगी? देखें, ये जब तक तो इदारे अपना काम खुश सलूबी से नहीं करेंगे तब तक तो ये गैर यकीनी सूरत हाल तो रहेगी, क्योंकि ये एक साल पहले की चीज़ें चल रही हैं कि लारी अड्डा जो है बदामी बाग लारी अड्डा, इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इसकी शिफ्टिंग की वजह से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, जो भी अफसरान यहाँ पे आएंगे, वो इसी खौफ में रहेंगे कि आया ये 6 माह बाद चेंज हो जाता है या 3 माह बाद इसको ट्रांसफ़र या शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इधर हम जो तामीराती काम है, तरक्याती काम है, वो किस तरह करें। शाहिद साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया, वो जो शेड उन्होंने लगवाया है, लेकिन शेड के साथ साथ अगर जो पार्किंग के लिए गाड़ियों की जगह है वहाँ का भी अगर ये विज़िट करें, वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि जितना ज़्यादा इस जगह पर गंद था जिधर उन्होंने शेड लगवाए हैं, उससे डबल जो उधर गंदगी की सूरत हाल है, और किसी किस्म का उधर भी कोई साया वगैरह नहीं है। अब देखते हैं कि ये उधर कब तक मजीद जो काम है वो भी करवाएंगे। ग्रेजुअली हम ग्रेजुअली हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो टफ टाइलिंग ऑफ या कंक्रीट करना है या टफ टाइल करना है पार्किंग वाली जगह को, और उसके प्रॉपर ड्रेनेज का इंतजाम करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप तशरीफ लाते हैं तो इंशाल्लाह आपको हम एक और चीज नई देखने को अच्छी देंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब टाइम निकालने के लिए, और बहुत शुक्रिया आकिब साहब, आपने तमाम तरह कायक से हमें आगाह किया है। नाज़रीन, हमने आज भी अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि अहलियान लाहौर, जितने भी अहलियान लाहौर शहर से जिस जिसका भी रोज़गार वाबस्ता है, वो अपने घरों को जाएंगे ईद मनाने के लिए। उस बड़ी तादाद के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं वो कैमरे की आंख से आपने इस मरतबा भी देखा है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो तमाम तरह इंतजामिया को पहुंचाया जा सके, और ये जो निशानदेही हमने की हैं इनका कोई ना कोई सद्देबाप निकाला जा सके, और जो मुश्किलात मुसाफिरों को पेश आ रही हैं वो अगली ईद को ना पेश आएँ, और जब वो वापस आएँ तो यहाँ पर इंतजाम काफ़ी बेहतर हों। आज की टॉप स्टोरी से इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।